कई लोगों को हो ऐसे महसूस होता होगा, क्या दीदी सत्ता पर आने के बाद क्या उनके हाथ में क्या जादू की छड़ी होगी ये सब बदलने के लिए? लेकिन मुझे विश्वास है हम सही प्लानिंग किया और ये 17 मुद्दे अमल में आ गए तो देश का चित्र बदल सकता है। और ये मेरा भाषण नहीं, हम लोग प्रयोग किए हैं, जमीन पर प्रयोग किए हैं। देश की अर्थनीति कैसे बदलती है ये गांव से हम दिखा दिए हैं। और ऐसे अर्थनीति अगर बदलती है गांव गांव की तो देश की अर्थनीति बदल जाएगी। चुनाव प्रक्रिया में व्यापक सुधार का कानून लाया जाएगा ताकि भ्रष्ट और अपराधी जनप्रतिनिधि को सत्ता में ना जाए। इसलिए राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, आज तक देखिए कि राइट टू रिजेक्ट का कानून कितने साल हो गए आजादी के, लेकिन राइट टू रिजेक्ट का कानून, राइट टू रिकॉल का कानून किसने नहीं बनाया? वास्तव में बहुत जरूरी था, नहीं बनाया वो। नदियों और जलाशयों के पानी के निजीकरण पर अविलंब रोक लगाया जाएगा। आज गांव हमारे देश में नदियों की बिक्री हो रही है, जलाशयों की बिक्री हो रही है, खनिज संपत्ति का पूरा दोहन हो रहा है, भूपृष्ठ और भूगर्भ की पूरी संपत्ति का शोषण हो रहा है। ये क्या विकास है? ये तो विनाश है। आज नहीं कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद ये नजर आएगा कि हम क्या विकास किया है, विनाश किया है।